शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से हमने अपने बेटे को आपके साथ अकेला छोड़ दिया, आप तो उन्हें मरने के लिए छोड़ देंगी। क्या फायदा हुआ हमें अलग होने का जब आप हमारी जिंदगी में दखल देती रहती हैं? तो फिर निकाल दीजिए ना फिर से हमें आपके घर से बाहर। अगर ऐसी हरकत रही ना तो एक दिन सच में धक्के मार के आपको घर से बाहर निकाल देंगे। बस। तुम जैसे लड़के लड़कियों से क्या मॉडलिंग का काम करवाते हो ना, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। आपके ऊपर ये धमकी उनकी ना सूट नहीं करती, इस बात को आप थोड़ा प्यार से भी बोल सकती थी। अबे अबे छोड़िए उसे, क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए उसे। जानता हूँ घर में मुश्किल हो रही होगी, लेकिन मेरा फोन तो उठा लो, एक बार मुझसे बात करो, कल मुझसे मिलने आ जाओ, मैं इंतजार करूंगा। मैं क्या मारा, जब खुद की भी समझती नहीं तुझसे, अरे इसी ने बुलाया मुझे यहाँ पे। क्या झूठ बोल रहे हो तुम? बॉस, लड़ना वड़ना नहीं है मुझे, तुम्हारी ये जो बीवी है ना पीछे पड़ी हुई है मेरे। अरे नजर तक रख रही है मुझ पे, ये भरोसा नहीं होता ना मुझ पे, तो पूछ लो इससे, बताओ इसको अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। क्या बकवास कर रहे हो तुम, शर्म नहीं आती है तुम्हें? और ये सब बातें बोल के तुम साबित क्या करना चाहते हो? ठीक है चल निकल। अभय वो एक नंबर का गिरा हुआ लड़का है, भोली भाली लड़कियों को सिर्फ बेवकूफ बनाता है, मेरी बात का यकीन कीजिए आप। तुम्हारी ये जो बीवी है ना पीछे पड़ी हुई है मेरे। कुछ दिनों से ना मेरे मन में बहुत सवाल है, आंखों देखी कुछ सच मानू या उसके परे जाके समझू। तो पूछिए ना क्या सवाल है, जो कहना है साफ साफ कहिए। ठीक है, बहुत सवालों में ना सिर्फ एक सवाल का जवाब दो मुझे। तुम्हें और उस लड़के के बीच ये सब कब शुरू हुआ? बोलो श्रद्धा, इस रिश्ते की शुरुआत कब हुई? से बोलो तुम्हें हर
सुमत की लकीरों से खोया क्यों मैंने तुझको। श्रद्धा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? वो क्यों? मैंने तुझे हमेशा अपनी बहन की तरह समझा और तूने मुझे ही धोखा दिया। शर्म नहीं आई तुझे? ऐसा क्या कर दिया आरती मैंने जो इतना भड़क रही है मेरे ऊपर? भोलेपन का नाटक ना मेरे सामने तो कर ही मत, अच्छे से जानती हूँ मैं तुझे। पहले तूने मुझे यहाँ पर भेजा कुनाल से मिलने के लिए और फिर भाभी को ही मेरे पीछे पीछे भेज दिया। तेरा ही क्या घर है ना ये सब? हाँ, वो तो भगवान का शुक्र है कि यहाँ से भागते वक्त ना मैंने तुझे भैया के साथ यहाँ पर आते हुए देख लिया और फिर ना मैं सब समझ गई, ये सब तेरा किया धरा है ताकि तू भाभी को झूठा साबित कर सके भैया के सामने। तो ये सब कर रही है ताकि भैया भाभी के बीच में दूरी आ सके। पर सोनिया, तूने इस सब के लिए मेरा इस्तेमाल किया। मेरा? शर्म नहीं आई तुझे? इतना गिर गई तू? मैं गिरी हुई आरती? हाँ, खुद को मेरी बहन बोलती है ना तू? और एक मिनट नहीं लगा ना तेरा विश्वास टूटने में? अगर आज मैं नहीं होती ना तो अभय कुणाल का गला घोट चुका होता। वो तो जैसे ही मुझे पता लगा कि श्रद्धा अभय को तुम्हारे और कुणाल के बारे में बताने वाली है, उसके लिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भाभी ने मुझसे वादा किया था कि वो हमारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगी। बहुत ईमानदार बनती है ना तुम्हारी श्रद्धा भाभी, आज दिख गई ना उसकी ईमानदारी तुझे। ये सब ना मैंने सिर्फ तेरे लिए किया है आरती, ताकि तेरे और कुणाल के बीच में कोई ना आ सके, श्रद्धा भी नहीं। अरे कीर्ति जी, आप यहाँ कैसे? वो ये कुणाल जी, आपको इतनी चोट कैसे आई? क्या बताएं कीर्ति जी, आपकी बहन श्रद्धा जीने नहीं देगी हमें। वो क्या श्रद्धा? ये चिट्ठी यहाँ पर किसने डाली? कौन है ये? मुझे क्या पता, तुम्हें फोन आ रहे होंगे। तुम्हें और उस लड़के के बीच एक रंग हो, ये सब कब शुरू हुआ? कैसे भूलूं तुम्हें? बोलो श्रद्धा, इस रिश्ते की शुरुआत कब हुई? क्यों बढ़ रही है अपनी ये दूरी? कैसी लिखी है उसने ये कहानी? किस्मत की लकीरों से। श्रद्धा बेटा, बेटा तुम रो रही हो, क्या हुआ बेटा बताओ मुझे? मम्मी कहाँ है? बेटा तुम्हारी मम्मी तो सुबह नानी के घर चली गई, कुछ जरूरी काम था। अच्छा तुम बैठो और मुझे बताओ क्या हुआ। बैठो। क्या हुआ बेटा? मेरी प्यारी बच्ची की आंखों में आंसू क्यों है? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? तनुजा जी ने कुछ कहा तुमसे? अभय ने कुछ कहा है? अभय, श्रद्धा का पति, उसी ने अचानक हमें पीटना शुरू कर दिया। क्या बताएं, पता नहीं उसने उसे क्या पट्टी पढ़ा दी कि एकदम खूंखार हो गया था। कुणाल जी, उस दिन ना दीदू ने हमें आपके साथ देख लिया था, हमें आपसे दूर रहने को कह रही थी पर हमने मना कर दिया। शायद इसीलिए उन्होंने अपने उस बदतमीज पति को भेज के आपको पिटवाया होगा धमकाने के लिए। दीदू ऐसा करेंगे, इस हद तक जा सकते हैं हमने ये नहीं सोचा था। और वो अबे, वो पागल है क्या? ऐसे कौन करता है, कौन मारता है? दिल पड़ गया आपको। मार तो हम भी सकते थे कीर्ति जी, लेकिन आपके जीजा जी है ना, उसी लिहाज में हम तमीज में रहे। आज तक तो सिर्फ सुना ही था कि अगर नाम और पैसा बीच में आ जाए ना तो जलन में बहन ही बहन को काटने के लिए दौड़ती है। आज देख भी लिया, ये श्रद्धा को ना बर्दाश्त ही नहीं कि आप जिंदगी में कुछ बड़ा करें। दीदू ना बिल्कुल त्रिपाठी खानदान की तरह हो गई,
उन्हें भी पसंद नहीं है कि हम जिंदगी में तरक्की करें, आगे बढ़े। और अब तो हमारे पति वरुण जी को भी नहीं। अच्छा, वैसे आपने अपने पति से वो पैसों के लिए पूछा? वो कुणाल जी, हमने पूछा था, हमें लगा था कि वरुण जी खुश होंगे कि हमें मॉडलिंग का काम मिल गया है, पर नहीं, उन्होंने तो हम पे हाथ उठाने की कोशिश की। अब आप ही बताइए, अगर हम मॉडलिंग का काम ले भी ले तो वरुण जी और उनके घर वाले ना जाने हमारे साथ क्या कर बैठेंगे। क्या आप पे उसकी हाथ उठा? अरे आप आज के जमाने की लड़की हैं, क्यों सह रही हैं ये सब? अरे आप पढ़ी लिखी हैं, अपने पैरों पे खुद खड़ी हो सकती हैं। लेकिन अगर घर वालों ने साथ नहीं दिया तो हम अकेले कैसे? कीर्ति जी, जब पहली बार आपको देखा बहुत बहादुर लगी थी आप, लेकिन तब ये नहीं लगा था कि आप भी उन अंधी बीवियों की तरह है जो पति से पिटने का दोष पति पे नहीं किस्मत पे देती हैं। कुणाल जी, आप ज्यादा बोल रहे हैं। माफ कीजिएगा कीर्ति जी, लेकिन अगर आप ऐसी नहीं हैं तो आप खुद जाके पुलिस में शिकायत कर सकती थी, लेकिन आपको मैंने गलत समझा। अरे आप तो कमजोर निकली। पहली बार मेरी नजरें गलत हो गई, ऐसी कमजोर लड़की के साथ मैं काम नहीं कर सकता कीर्ति जी। नहीं नहीं कुणाल जी, ऐसा मत बोलिए प्लीज, ऐसा मत बोलिए। हम नहीं कीर्ति जी, अब सुनने को कुछ बचा ही नहीं। सॉरी कुणाल जी। ये दीदू भी ना, सब हमसे जलते हैं। कोई नहीं चाहता कि हम अपनी जिंदगी में तरक्की करें, कुछ अलग करें। सब हमें रोकने की कोशिश करते हैं। माँ, दीदू, वरुण जी, सब क्या करें अब हम? हम क्या कर सकते हैं बेटा? तुम्हें इस तरह रोता हुआ देखकर बड़ी घबराहट होती, तुम्हारी मदद भी नहीं कर पा रहा है। बताओ ना बेटा, क्या हुआ है? बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ हैं। आप घबराइए मत पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। झूठ बोल रही है वो। आप श्रद्धा को झूठा क्यों कह रहे हैं? अंकल, इसी से पूछो कि ये क्या झूठ बोल रही है और क्यों? बोलो श्रद्धा, अपने पापा को सच्चाई क्यों नहीं बता रही हो? ऐसे चुप रहोगी तो सबको मैं गलत लगूंगी, उनको लगेगा मैं गलत कर रहा हूं तुम्हारे साथ। मैंने दर्द दिया तुम्हें, मेरा दर्द नहीं दिखेगा किसी को भी। भाई आप क्या बोल रहे हैं? प्लीज शांत हो जाइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज चुप हो जाइए। क्यों, अपने परिवार के सामने सच बताने से डर लगता तुम्हें? शुरू से बताओ इनको कि कितनी अच्छी बेटी हो तुम और कितनी पवित्र बहू। बोलो बेटा श्रद्धा, अभय क्या कह रहा है?
पापा आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, वो तो मेरे और अभय के बीच में एक छोटी सी गलतफहमी हो गई है जो कि मैं सुलझा लूंगी, मेरा विश्वास कीजिए। तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन बेटा एक बात याद रखना, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है और ये तुम्हारा घर है, कोई भी परेशानी हो तुम किसी भी वक्त वापस आ सकती हो, पता है ना तुम्हें? हाँ पापा। अरे आरती सुनो तो, तुम्हें लेकर ना आज मेरी सारी की सारी गलतफहमियां दूर हो गई, जब मैंने देखा कि तुम कैसे श्रद्धा भाभी के करीब जाने की कोशिश कर रहे थे, खुद अपनी आंखों से देखा मैंने। कैसी बातें कर रही हो यार आरती, तुम्हारे लिए हमारे प्यार के लिए मैंने यहाँ यहाँ ये देखो कहाँ मार नहीं खाई तुम्हारे भाई से, कुछ नहीं बोला, पलट के मारा तक नहीं, सिर्फ सहता रहा। आरती मैं डर गया था जब तुम्हारी भाभी मुझसे हमारे बारे में सवाल पूछ रही थी, मैं बस सोच रहा था कि किसी तरह इनको मना लूं बस, या उनका ध्यान भटका लूं। आरती मैंने सोचा था कि आज मैं तुम्हें अपनी दिल की बात बताऊं। आरती मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लेके आया था, ये देखो। ये मेरे लिए? हाँ आरती, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहता। चलो आज का बचा हुआ दिन अच्छे से मना, आज का दिन यादगार बना। चलिए पूजा तो अच्छे से हो गया, हम श्रद्धा को आज ही बोल रहे थे कि सफाई। तो यार बहुत हुई है यहाँ पर, ध्यान से भाभी, ये गुलाब के फूल और मोमबत्तियों को देखकर तो यही लग रहा है कि यहाँ पर जरूर कुछ यादगार होने वाला था शायद। देखिए तो ये सब इतना कुछ, वैसे सजावट तो देखिए, हाय डेटशीट वाला मामला है ये तो। ऐसे क्या देख रही हैं आप, हम सच्ची तो कह रहे हैं। वैसे भी अच्छा है ना, देर आए दुरुस्त आए, 2 महीने हो गए शादी को, खुशखबरी तो बनती है, हाय हमारी तनु भाभी दादी बन जाएगी। अच्छा ऋतु, आपको डर नहीं लग रहा कि कहने के लिए आपकी इतनी से उम्र में कहीं आप बुआ दादी ना बन जाए? बताइए जाइए जाइए भाभी, उम्र के मामले में ना हम आपसे छोटे ही बता रहे हैं। हाँ वैसे हम ना आजकल के जमाने वाली बुआ दादी बनेंगे, हम बता रहे। ऐसे भाभी हमने इन सब में एक बात तो सोची नहीं, अगर श्रद्धा से पहले कीर्ति माँ बन गई तो नैना भाभी तो पूरे घर में ढिंढोरा पीटेगी पोता पोती होने की, हाय आपका क्या होगा? सच किस किस से झूठ बोलोगी तुम श्रद्धा? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ अभय, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी एक बार होती है, 2 बार नहीं। तुमने पहले भी मुझसे झूठ बोला उसको मिलने के लिए, ये भी झूठ है क्या? अरे जब पिछली बार तुम्हें देखा था ना तो लगा शायद मैं पूरा सच नहीं जानता हूँ, इसलिए दिल से तुमसे बात करना चाहता था मैं, पर आज दूसरी बार देखा है तुमने दूसरी बार झूठ बोला है मुझसे, और तुम जानती हो मैं झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। तुम्हें यही लगता है ना कि तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो जो मुझ जैसे गवार के साथ फंस गई है,
तुम्हारे लायक नहीं हूं ना मैं, इसीलिए ये सब कुछ कर रही हूं ना मेरे साथ। ये सब आप क्या बोल रहे हैं अभय? अभय, आपके मन में मेरे लिए इतनी कड़वाहट कब से पैदा हो गई है? आप होश में तो हैं? आपका और मेरा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ विश्वास की नींव पर टिका रहा है। अगर वही नहीं है तो फिर तो तोड़ दो ना ये रिश्ता। क्यों बांध के रखा खुद को मुझसे? चली जाती मैं आपकी जिंदगी से, लेकिन उसमें दर्द मेरे मम्मी पापा को होगा। क्या नाटक है ये तेरा? जाके बोल अपने बाप से, दो कौड़ी के इंसान से रिश्ता किया तेरा, नहीं हूं ना तेरे लायक, तो छोड़ मुझे यार मेरी जिंदगी बख से। कुछ भी हो जाए अभय, मैं रिश्ता नहीं तोड़ूंगी। मेरी मम्मी ने जिस इज्जत के साथ मुझे आपके साथ अपने घर से विदा किया था, जिस विश्वास के साथ उन्होंने मेरा हाथ आपके हाथ में दिया था, और मैं इस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगी। और अगर हमारा रिश्ता टूटा भी तो उस इज्जत के साथ टूटेगा जहां पर मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं। और मैं ये साबित करके रहूंगी अभय कि आप गलत हैं। क्या साबित करना तुम्हें? सब कुछ तो सबके सामने है, और जितना मुझे देखना था मैं देख चुका हूं। और ये साबित करने की धमकी से ना सच बदल नहीं जाएगा। क्या हो गया आपको? हाँ, पहले तू तड़ाक और अब ये। अरे माफ कर दो मुझे, वो गलती होगी मुझसे। एक काम करता हूँ ना, मैं तुम्हारा सामान लेकर यहीं रख देता हूँ, क्योंकि मुझे अब तुम्हारा साथ नहीं रहना है। आपके और मेरे बीच में सच की दूरियां इतनी बढ़ गई है ना कि अब इस इल्जाम के साथ मैं खुद ही इस रिश्ते में नहीं रह पाऊंगी, और इस धोखे के दाग के साथ मैं अपनी जिंदगी जी भी नहीं पाऊंगी। इसलिए मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मौका चाहिए। बोलो क्या है तुम्हारा सच? देखिए अभय, आप एक ही नजरिए से अगर हर स्थिति को देखेंगे ना, तो सही क्या है गलत क्या है इसमें आपको कभी फर्क ही नहीं पता चल पाएगा। सीधा सीधा बोल। मैं वहां आरती की वजह से गई थी। क्या मतलब? वो लड़का आरती का दोस्त है, उसका खास दोस्त, और आरती को रोकने के लिए मुझे वहां उस लड़के से जाकर मिलना पड़ा। शुदा! अगर आज तुम अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाई ना, तो याद रखना कभी माफ नहीं करूंगा तुम्हें मैं। आरती, सच सच अपने भैया को ये बताओ, तुम कुणाल से प्यार करती हो? भैया आप तो मुझे जानते हो ना, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ भाभी। तो फिर अपना फोन दिखाओ। आरती ने अपने फोन में कुणाल का नंबर सारिका के नाम से सेव किया हुआ है। भैया हेलो, हेलो
किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।